हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में अख्तर आलम कैसे अपने लावा अग्नि 5G मोबाइल में अपने फ़ोन में आप कैसे स्विच स्क्रीन डिस्प्ले एरिया को आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के लिए हम पहले इस क्लिक साइट में क्लिक करते हैं। इसके बाद इसमें यहाँ पर सेटिंग का आइकन शो हो जाता है। सिंपली हम साइड स्क्रीन के आइकन पर क्लिक करते हैं। तो इसके बाद इसमें यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं होता है, जो कि हमको सिंपली इजी तरीके से करने के लिए हमको यहाँ पर पहले सर्चिंग सेटिंग में क्लिक कर लेना। सर्चिंग सेटिंग में लिख देंगे हम स्विच। तो जैसे हम नॉर्मल से हल्का से डालते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन शो होता है, जो कि स्विच स्क्रीन डिस्प्ले एरिया। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद जिस तुमने खुद ही ऑप्शन बताया था, जो कि है जिस तरह जिसको हमने सर्च करा था, जैसे कि हम यहाँ से चेंज कर देंगे। तो जैसे क्या जिसमें जो कि है स्विच स्क्रीन डिस्प्ले एरिया चेंज हो जाता है। तो यह दूसरे तरीके से भी हो सकता है। दूसरे तरीके से करने के लिए भी आपको सिंपली नॉर्मली सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको फ़ोन स्वैप कर लेना है। स्वैप करने के बाद जिस तुम यहाँ पर सेटिंग का आइकन शो हो जाता है, तो सेटिंग का आइकन पर हम क्लिक करते हैं। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, जो कि है डिस्प्ले। तो सिंपली हम डिस्प्ले पर क्लिक कर देते हैं। तो डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाता है स्विच स्क्रीन एरिया, सॉरी डिस्प्ले एरिया। तो हम इसको नॉर्मली ऐसे करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सही लग रहा है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो हम ऐसे अपने फ़ोन में जो कि चेंज एंड अनचेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक।